हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले कैच लाइव भी तवस्सुम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जो हूँ अपने अपर लिप्स कर रही थी, क्योंकि जब से कोरोना पैंडेमिक चल रहा है और इन दिनों तो वापस से फिर से बहुत ज़्यादा दिल्ली में कोरोना बढ़ गया है, तो डर के मारे मैं पार्लर नहीं जाती। मोस्टली मैं वैसे भी पार्लर कम ही जाती हूँ, तो मैं अपने आईब्रोज अपर लिप्स कोशिश करती हूँ खुद ही घर में करूँ। तो मैं अभी अपने अपर लिप्स ही कर रही थी, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता पार्लर जाने का, और आईब्रोज फिर भी एक बार को मैनेज हो जाती। बड़ी जो अपर लिप्स के बाल होते हैं ये हमें बहुत ज़्यादा, स्पेशली गर्ल्स को बहुत एम्बेरेस करते हैं। तो आज की वीडियो जो है मेरा ब्लॉग इसी पर, आज इसी चीज़ पर है कि जो हम फेशियल हेयर है हम घर पे किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं बट हाँ टेम्परेरीली ये काफ़ी अच्छी, मतलब इंस्टेंट ही हमारे बाल रिमूव कर देता है। काफ़ी पुरानी टेक्निक है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग यही टेक्निक फॉलो करते होंगे, बहुत सारे लोग पार्लर में भी जाते होंगे। बट हाँ, जब भी आपके पास पार्लर जाने का टाइम ना हो और आपको कहीं जाना हो, या खुद से ही जब हम अपर लिप्स कर लेते हैं, अपर लिप्स हमारे हो जाते हैं, तो हमें खुद में कितना अच्छा लगता है, एकदम क्लीन क्लीन। तो खुद में भी कभी अच्छा लगने का दिल करे या पार्लर जाने का टाइम ना हो, कोई ओकेजन हो जहाँ पे हमारे पास टाइम ना हो पार्लर जाने का, तो हम घर पे किस तरीके से अपने फेशियल हेयर को रिमूव करेंगे, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी, आपके पास पार्लर वाला थ्रेड है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ये एक सिंपल रील का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये सिंपल जो रील होती है घर में कपड़े सिलने वाली, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। और हमें थोड़ा सा पाउडर चाहिए, कोई सा भी पाउडर आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं, मेरे पास ये पाउडर अवेलेबल है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो कोई सा भी पाउडर ले लीजिए और आप इसे अपने अपर लिप्स में अच्छे से लगा लीजिए। उसके बाद आप रील में से धागे को तोड़िए, देखिए ज़्यादा लंबा नहीं तोड़ना है। तो देखिए मैंने इसको इतना किया है, सिर्फ इतना, जितना ये हमारी एक इतना होता है, यहाँ से अंगूठे से लेके छोटी उंगली तक बस इतना बड़ा हमें थ्रेड तोड़ना है। ये देखिए डबल करने पर इतना आना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको तोड़ लिया है, ये देखिए, और इसको मैंने यहाँ से एक नॉट लगा ली है, आप लोगों को दिख रही होगी, तो मैंने नॉट लगा ली है। अब हम इसे 7-8 बार इस तरीका से देखिए फोल्ड कर देंगे, ठीक है। जब हम फोल्ड कर देंगे तो हमें अपने हाथों को इस तरीके से करना है, और यहाँ में हमें अपर लिप्स में स्ट्रेच देना है अपने। तो देखिए जहां जहां के आपको बाल रिमूव पूरे में ही होते हैं, लेकिन जहां जहां आप थ्रेड चलाएंगे वहां वहां आपको अपनी जीभ से, अपनी टंग से आपको स्ट्रेच देना होगा। जैसे मुझे यहाँ के बाल निकालने हैं तो मैं यहाँ पे अपनी जीभ से स्ट्रेच दूंगी। तो देखिए आप देख पाएंगे कि अभी कैमरा शायद ठीक से कैप्चर नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आप देख पाएंगे कि मेरे जो अपर लिप्स के हेयर हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं इस फील्ड में तो 2-4 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद ही परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसी तरीके से हम अपने फेशियल हेयर रिमूव कर लेंगे। तो मैं सारे फेशियल हेयर को रिमूव कर लेती हूँ। फेशियल हेयर भी हम इससे रिमूव कर सकते हैं, साइड बर्ड्स जो होते हैं, देखिए मेरे कम है लेकिन कम है, तो हम इससे साइड बर्ड्स भी रिमूव कर सकते हैं, सेंटर का एरिया भी आईब्रोज के, और आईब्रोज भी इस तरीके से बहुत लोग कर सकते हैं। बट आप, अगर आप फ्रेशर हैं तो प्लीज़ बिल्कुल भी चांस ना लें, बिल्कुल भी ऐसा चांस ना लें कि जिससे आपके आईब्रोज ख़राब हो जाए, ठीक है। तो अगर आप अपर लिप से ही स्टार्ट कीजिए अगर आप फ्रेशर हैं तो। और तो चलिए मैं फटाफट से अपने अपर लिप्स क्लियर कर लेती हूँ, आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर आपके पास पार्लर वाला धागा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में जो कपड़े सिलने वाली जो रील होती है, रील का धागा, वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसे इतना, इसको इतना तोड़ना है कि हमारा थंब से लेके इतना तक डबल करके इतना धागा आपको उसमें से तोड़ना है, और उस पर एक गांठ लगा के और उसको 7-8 बार ऐसे फोल्ड कर लेना है, और फिर धागे को ऐसे देखिए दोनों हाथों से ऐसे स्ट्रेच करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं हमेशा अपने अपर लिप्स के हेयर जो है इसी तरीके से रिमूव करती हूँ।
आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, और कोई मेहनत नहीं लगती, बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और आपका अपर लिप्स का एरिया एकदम क्लीन हो जाता है। तो चलिए मैं अपने अपर लिप्स क्लीन करके फिर आप लोगों से मिल कर ली हैं। देखिए कितना क्लीन लग रहा है, शायद कैमरा ठीक से कैप्चर ना कर पा रहा हो, बट मुझे क्लीन लग रहा है। देखिए हल्की हल्की सी रेडनेस हो गई है, वो जब आप पार्लर से भी कराते हैं अपर लिप्स तब भी हल्की सी रेडनेस हो जाती है, तो वो रेडनेस को कम करने के लिए और जो हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको बंद करने के लिए हम थोड़ी सी कोई सी भी क्रीम लेके, चाहे आपके पास मॉइस्चराइज़र हो, सनस्क्रीन हो, कोई सीरम हो, कोल्ड क्रीम हो, कुछ भी लो और हल्के हल्के हाथों से आप अपर लिप्स पे उसको अप्लाई करके और हल्के हाथों से मसाज कीजिए, हल्के हाथों से मसाज कीजिए थोड़ी देर, मतलब आधा मिनट के लिए तकरीबन। तो देखिए इससे जो एक कई बार अपर लिप्स के बाद ना एक स्ट्रेचिनेस आ जाती है, यहाँ पे थोड़ा खिंचाव फील होता है अपर लिप्स में, तो ये जो हम क्रीम या सीरम जो भी कुछ अप्लाई करते हैं तो ये उस चीज़ को भी दूर करता है। तो वो यहाँ पे देखिए मेरे अपर लिप्स डन हो गए हैं, मैंने आधे मिनट के लिए हल्के हाथों से मसाज कर ली है कोल्ड क्रीम से एंड आई एम रेडी टू गो। बस अब मेरा सिर्फ एक काम है, मेरा लाइनर मैंने लगा रखा है, काजल लगा रखा है, मेरी आईब्रोज डन है, तो बस अब एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है लिपस्टिक। Yes, तो अब मैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। तो कहाँ रख दी मैं, हल्की सी अभी लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। तो जी मैंने लिपस्टिक लगा ली है और आई एम गुड टू गो, मैं तैयार हो गई हूँ। देखिए थोड़ा सा खुद पे ध्यान देते ही और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें करके ना खुद में बहुत खुशी मिलती है, और मैं तो जब भी अपने लिए थोड़ा सा कुछ करती हूँ मैं बहुत खुश होती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी कि डायरेक्टली आईब्रोज पे ना जाएं, पहले आप अपर लिप्स पे ही हाथ साफ करें। जब आपको लगे कि हाँ आप परफेक्ट हो गए हैं, अपर लिप्स के हेयर आप अच्छे से रिमूव कर पा रहे हैं, थ्रेड अच्छे से चला पा रहे हैं, तभी आप आईब्रोज पे ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्टली आप आईब्रोज पे ना जाएं। और तो आप लोगों को ये आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और जी देखें कुटकुट कहाँ पर है, तो कुटकुट आज सुबह से बहुत परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ है, वो खेल रहा है। मेरा खाना पीना डन हो गया है, मैं इस टाइम फ्री थी तो मैंने सोचा मैं आज मुझे अपर लिप्स करने थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो जो है शेयर करती हूँ कि मैं घर में अपने अपर लिप्स किस तरह से करती हूँ और थोड़े थोड़े पैसे बचाती हूँ बहुत सारे। क्योंकि थ्रेड से करना फिर भी ठीक रहता है, बट जब हम लोग पार्लर में जाके मोस्टली वैक्स से कराते हैं तो वो जो गरम गरम वैक्स होती है वो धीरे धीरे हमारे अपर लिप्स को एजिंग की तरफ लेके जाती है, हमारे स्किन को डैमेज करती है। तो कोशिश करके आप वैक्स कराएं बट कम कराएं, कोशिश करके आप थ्रेड से ही अपर लिप्स कराएं तो आपके लिए भी बेटर होगा। तो आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा दूसरा चैनल कुकिंग का है तबस्सुम्स वर्ल्ड के नाम से, लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, अगर आप लोग उसे फॉलो करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।